और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जुलाई से 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 1% वैट और 4.25% सर्विस टैक्स लगता है, यानी सीधे सीधे आप पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा हो तो जीएसटी लागू होने से पहले ही डील पक्की कर लेनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है। जीएसटी के तहत अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12% की दर लागू होगी, जबकि 5% स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी। कुल मिलाकर टैक्स और स्टैंप ड्यूटी का खर्च 17% बैठेगा, जबकि अभी 5% की स्टैंप ड्यूटी के अलावा 1% वैट और 3.75% सर्विस टैक्स लागू है, यानी ग्राहकों की जेब से डील वैल्यू के 0.5% के बराबर रकम इसमें जाती है। ग्राहकों को डील वैल्यू के 1% के बराबर या 30,000 रुपए में से जो कम हो वो रकम भरनी पड़ती है। टैक्सेशन को जोड़ के करें तो एटलीस्ट अभी जो हिसाब से प्रोविजन ऐसा लग रहा है फॉर प्लेसेस लाइक बॉम्बे, जहाँ पे लैंड की कीमत कहीं ज़्यादा है, एक कस्टमर को शायद थोड़ा ज़्यादा सेल आउट करना पड़े। एक और चीज़ ध्यान रखनी, ये जो लॉ है नाउ इट इज़ यूनिवर्सल, पूरे भारत को लगता है, तो जहाँ पे लैंड की वैल्यू कम होगी अब 20 सिटी और 80 सिटी में, उस जगह पे ज़्यादा फायदा होगा कस्टमर को कंपेयर टू प्लेसेस लाइक बॉम्बे, जहाँ क्योंकि लैंड की वैल्यू ज़्यादा है, जो टैक्स बढ़ रहा है उतना कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट आज की डेट में नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी खरीदार पर जीएसटी के बाद पड़ने वाले असर को कुछ इस तरह समझा जा सकता है, जैसे 75 लाख रुपए का फ्लैट हो और एरिया 2,000 वर्ग फुट से कम हो तो इस पर 75,000 रुपए वैट, 2,81,250 रुपए सर्विस टैक्स लगता है। इसके अलावा 4.25 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी पर 7,61,250 रुपए का खर्च प्रॉपर्टी की वैल्यू के अलावा बैठता है, जबकि 1 जुलाई से 12% जीएसटी लगेगी, 5% स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन का खर्च अलग होगा। इस तरह 75 लाख रुपए के फ्लैट पर 9 लाख रुपए जीएसटी लगेगी, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्च जोड़कर करीब 13 लाख रुपए से ज्यादा बैठेगा। दाम मतलब कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट बढ़ेगा। प्रॉपर्टी प्राइसेस, ये दो चीज है, प्रॉपर्टी प्राइस इज वन, अनदर इज द टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्राइस। तो शायद मीड टू हाई लग्जरी सेगमेंट में शायद कुछ अपवर्ड टैक्स देना पड़ेगा, बट उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एज आई सेड इनपुट टैक्स क्रेडिट और लैंड अबेटमेंट के ऊपर इट हिंजेस ऑन दैट, कि उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट क्या है। बिल्डर भी कम ब्याज दर, प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी और प्रॉपर्टी कीमतों में स्थिरता को एक बढ़िया मौका बताकर प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी जीएसटी लागू होने से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के खरीदार इसका अच्छा फायदा ले सकते हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।